मेरे भक्तों, यदि आप वशीकरण करके थक गए हैं, आपसे वशीकरण नहीं होता है, तो आज का ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि धतूरी के पत्ते से कैसे जीवन भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए किसी स्त्री को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं और मनचाहे कार्य करवा सकते हैं। मेरे भक्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है और एक अजमाया गया टोटका है। ये कभी खाली वार नहीं जाता है। एक बार किसी के ऊपर कर देते हैं तो स्त्री हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में पागल हो जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं आपको, सिर्फ एक बार ये कर लीजिए, कोई भी स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा महिला हो, आपके प्यार में पड़ जाएगी, एकदम बेचैन हो जाएगी आपके लिए। दिन रात आपके नाम के माला जपेगी। यदि कोई स्त्री है किसी पुरुष को वश में करना चाहती है तो इसका प्रयोग कर सकती है, या कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश में कर सकती है। तो आइए बतलाते हैं। सबसे पहले आपको दो धतूरे का पत्ता लेना है। धतूरे का पत्ता लेना है आपको सोमवार के दिन ही लेना है, सोमवार के दिन या रविवार के दिन। उसके बाद में करना क्या है ध्यान से देखिएगा। इस दोनों पत्ते पे आपको क्या करना है, एक पत्ते पे आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। जिस लड़की का आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लेते हैं उस लड़की का नाम है सुनीता, तो इस धतुए के पत्ते पे लिख देंगे सुनीता, प्लस में आप अपना नाम लिखिएगा। मान लेते हैं कि आपका नाम है राज, तो यहाँ पर लिख दिए राज। धतूरे का पत्ते पे लड़की और लड़का दोनों का नाम लिखना है एक धतूरे के पत्ते पे, और दूसरा धतूरे का पत्ते पे क्या करना है, स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। ठीक है, दूसरे पत्ते पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद में एक पत्ते धतूरे के पत्ते पे क्या करना है, लड़की का नाम अपना नाम लिखना है, और दोनों को एक साथ रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो लाल चंदन होता है पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, लाल चंदन को क्या करना है इस पर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में क्या करना है आपको, दो लवंग लेना है, फूल वाला लवंग होना चाहिए। ठीक है, दो लवंग लेना है आपको। दोनों लवंग लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक लवंग को अपने सामने इस प्रकार से लेना है, जिस स्त्री को आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, उस स्त्री का 21 बार नाम लेंगे और इस पर 21 बार फूंक मार देंगे और इसको धतूरे के पत्ते पर रख देंगे, और दूसरा जो लवंग है अपने सर से 7 बार घुमा कर किसी धतूरे के पत्ते पर रख देंगे, और इसको क्या करेंगे, पत्ते को दोनों को मोड़ देंगे इस प्रकार से, और सोमवार के दिन, खास करके सोमवार के दिन आप शंकर जी के मंदिर में जाएं, आप वहाँ पर पूजा कीजिए और शंकर जी को ये धतूरा चढ़ा दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ मेरे भक्तों, स्त्री आपके प्यार में पागल हो जाएगी, और पागल नहीं हुई तो हमको आके बोलिएगा। यह बहुत ही पावरफुल है, अजमाया गया टोटका, ये कभी खाली वार नहीं जाता है मेरे भक्तों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो आप उसके ऊपर आजमाइए, उससे शादी कीजिए, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं कीजिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कीजिए, अपने गलत काम करने के लिए नहीं कीजिए। यदि आप हमसे फ्री में वशीकरण कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है।